आपका परिचालन हेलो वीज़ा। आज हम आए यहाँ यहाँ कहीं जगह जगह इब्राहिम दीदी है, और इब्राहिम दीदी के पास जो है आज हम आपको दिखाते हैं कि जेली फिश किस तरह पैक हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि इसको पहले समंदर से यहाँ लाते हैं, लाने के बाद इसको फिर वॉश करते हैं, केमिकल लगाते हैं, पहले कटिंग होता है इसका, पर अलग करता है इसका, ये हड्डी कहलाता है, हड्डी नहीं है, अच्छा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद छोटा बड़ा पर होता है, पीछे छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है जी। इसको अलग अलग प्रोसेस पे डालता है नमक से जी, और हाइड्रोजन वगैरह और भी केमिकल है। अच्छा, वॉश होने का बाद इसको 8 घंटा वॉश होने के बाद ये इतना बड़ा पीस इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा, 8 घंटे के बाद इसका साइज छोटा हो जाता है, अभी कह रहे हैं छोटा हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर लेस निकलते निकलते निकलते, ठीक है। फिर ये पैक होता है तकरीबन 3 किलो पानी, 12 किलो मांस, 2 किलो नमक, वो बाल्टी में रखा। अच्छा, ये बाल्टी में जो रखा है 3 किलो पानी, 1.5 किलो नमक, 1.5 किलो नमक, 12 किलो 300 ग्राम माल, 12 किलो 300 ग्राम माल, ये पैक हो जाता है इसमें बाल्टी में, फिर ये एक्सपोर्ट के लिए चले जाता है। तो ये इब्राहिम दरी पे जो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से सारा यहीं आगे वॉश होता है, हर जगह से आता है, केडी बंदर से, खालिस्तान से, काजल से, डांडो से। ये जेली फिश पकड़ने का डिमांड अलग होता है लोग का, या वो जो डिमांड अलग नहीं होता है, जो किश्तियाँ अभी सीजन ही ये है, मछली कम इसी वजह से जेली फिश में चला गया। अच्छा, इसमें सही गुजरा, मछली का सीजन ऑफ हो गया, तो इस वजह से लोग ज़्यादा जेली, जब होता मछली होता नहीं, बारिश होता मछली को भाग जाएगी, जब ये होगा तो मछली नहीं होगी समंदर में, कम है, कम हो जाती है। अच्छा, ये पिघलना शुरू हो गया है, ये पिघल रहा। अच्छा, इसका ताज़गी देखें, इसका ताज़गी नहीं, पिघल रहा है, ये समझो शाम 4 बजे तक ये मिलेगा। अच्छा, हाथ भी नहीं आएगा 4 बजे तक, खत्म हो जाएगा पिघल के। ये बड़ा पर, ये छोटा पर। अच्छा, ये बड़ा पर है, ये छोटा पर है, ये बड़ा है, ये छोटा। अच्छा, ठीक है, सही। ये कटिंग के बाद ये प्रोसेस आता है। अच्छा, कटिंग के बाद ये आता है, इसके पीस अलग हो जाए कर लेते हैं, और ये इतना सा हो जाता है, ये छोटा हो। अच्छा, सही है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई।